डिडवाना में सीवेज की समस्या को लेकर एनडीटीवी की खबर के बाद एनजीटी ने बड़ा एक्शन लिया है और सीवेज सिस्टम के फेल होने और जगह जगह जलभराव को लेकर एनजीटी ने कलेक्टर के साथ नगर परिषद और तहसीलदार को भी नोटिस भेजा था। इस पूरे मामले के बाद डिडवाना प्रशासन हरकत में आया है। एनजीटी के आदेश के बाद कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने नगर परिषद आईयू आईडीपी और सीवर के अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें सीवरेज की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस पूरी समस्या के समाधान के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसके तहत एसटीपी के परिशोधित पानी को निकालने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी और इस पानी को शहर से दूर एक झील बनाकर निकाला जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरे हालात का जायजा लिया। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। डीडवाना में सीवरेज की बड़ी विकराल समस्या है जिसकी वजह से पूरे शहर में गंदा पानी का भराव है। ये डीडवाना सीवरेज प्लांट का एसटीपी प्लांट है जहां से पानी परिशोधित होता है। यहां सैकड़ों लीटर हजारों लीटर पानी जो है रोजाना शहर का सीवरेज का यहां आता है जहां से ट्रीट होकर के बाहर निकल जाता है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, ये वो सीवरेज के परिशोधित पानी की झीलें हैं जो सीवरेज के पानी का निस्तारण नहीं होने के कारण शहर में ही इसका भराव हो चुका है। इतना ज्यादा भराव हुआ है कि पूरा मेला मैदान इस परिशोधित पानी से भर चुका है। इसके अलावा डीडवाना का ऐतिहासिक सिंगी तालाब और नमक झील में भी परिशोधित पानी छोड़ा जा रहा है। इस विषय को लेकर डीडवाना के अधिवक्ता सरवर खान ने एनजीटी में अपील दायर की है, याचिका दायर की है। इनसे हम चर्चा करते हैं कि पूरा मामला क्या है और इन्होंने आखिर ये याचिका क्यों दायर की। सरवर जी बताइए, याचिका दायर करने की नौबत क्यों आई? याचिका दायर करने की नौबत इसलिए आई कि पूरा शहर जो है इस सीवरेज पानी की समस्या से परेशान है। गली गली के अंदर पानी है और जहां पर ये पानी का निस्तारण होना चाहिए वो निस्तारण अभी तक नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने ये मामला जो है वो एनजीटी भोपाल में फाइल किया है जिसमें एक कमेटी का गठन भी हुआ और उसने अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत की है एनजीटी के समक्ष। आपने उस रिपोर्ट में याचिका में क्या बिंदु उठाए, क्या उनमें प्रमुखता से जो बिंदु है या समस्या है क्या क्या उसमें केंद्रित किया गया? मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये उठाया उसमें कि जो भी पानी का जो निस्तारण है वो प्रॉपर तरीके से हो और जो पानी एसटीपी के अकॉर्डिंग एकदम परिशोधित होने के बाद वो किसानों को मिले, तो जब किसानों को पानी मिलेगा और खेती होगी तो समस्या का हल ही हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जो पानी है डीडवाना शहर का गंदा जो पानी है, नालों का पानी है, सीवरेज का पानी, वो एकदम मिक्स होके आता है। इस वजह से प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पाता, तो सिंचाई के लिए कामयाब नहीं हो पानी। तो एनजीटी ने प्रारंभिक तौर पर जो सुनवाई की उसमें क्या आदेश दिए थे और जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की? एनजीटी ने कमेटी का गठन किया जिसमें कलेक्टर के प्रतिनिधि, भूजल विभाग के एक प्रतिनिधि और अपने पर्यावरण विभाग जो है उनका एक प्रतिनिधि इसमें शामिल किया गया। उन्होंने मौका रिपोर्ट दी है और वो मात्र एक पेज की रिपोर्ट है जिसमें ऐसा लगता है कि वो अपने समस्या का हल से भाग रहे हैं और डीडवाना की जनता का बिल्कुल ही उनको ख्याल नहीं है। ऐसी मौका रिपोर्ट उन्होंने कही है कि हम सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं, आपको तस्वीरों में लग रहा होगा कि पानी पीने योग्य या खेती के लिए योग्य हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है पानी पीने योग्य या खेती के लिए बिल्कुल ही योग्य नहीं है पानी। तो अब आपने जो अगली सुनवाई होगी उसके लिए क्या तैयारी की है, किस तरह के बिंदु और आपत्ति आप उसमें दर्ज करवाएंगे? मैं डीडवाना इसीलिए आज आया हूं कि इसकी पूरी पूरी रिपोर्ट जो है मैं बना सकूं और मैंने एसटीपी का सर्वे भी किया है और वहां की टीम ने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से उस एसटीपी के बारे में बताया भी है और उनकी समस्या नगर परिषद से क्या है वो भी मुझे बताई है। तो मैं ओवरऑल नगर परिषद की बात, एसटीपी को जो संचालित कर रहे हैं उनका उनके उनके द्वारा जो बताई गई बातें और मेरे नजरिए से जो चीजें सही है वो मैं मेरे रिपोर्ट में प्रस्तुत करूंगा एनजीटी के समक्ष। आपकी रिपोर्ट के बाद में जो नोटिस जिला कलेक्टर को, नगर परिषद को मिला, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। आज टीम एसटीपी प्लांट पहुंची थी जहां निरीक्षण किया गया है। क्या लगता है इसका कैसे समाधान होगा, क्योंकि जब फर्स्ट फेज के पानी का ही कोई निस्तारण नहीं हो पाया है ऐसे में सेकेंड फेज लगभग बनकर तैयार है, कैसे समाधान होगा इसका? समाधान अगर चाहे तो नगर परिषद कर सकती है, लेकिन नगर परिषद ने कभी प्रयास किया ही नहीं और आज जितने भी डीडवाना के नाले हैं,
जितने भी गंदा पानी है वो उन्होंने इस मेला मैदान की तरफ ही शिफ्ट कर दिया है। इसकी वजह से इन्होंने क्या है कि डीडवाना के अंदर इनको जगह मिल रही है, इनको मेला मैदान मिला तो बरसों पुराना पशु मेला है वो खत्म कर दिया नगर परिषद ने। और आज डीडवाना की नमक झील खतरे में है, सिंगी तलाई खतरे में है, खारिया तालाब खतरे में। तो अगर नगर परिषद चाहे तो इसका निपटारा हो सकता है, क्योंकि डीडवाना शहर के अलावा राजस्थान के अंदर हजारों शहर है जिसके अंदर एसटीपी बहुत अच्छे से वर्किंग कर रही है और किसानों को अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छी खेती हो रही है, लेकिन नगर परिषद जो है इसमें बेपरवाह लापरवाह है, इनको कोई मतलब नहीं है डीडवाना के शहरवासियों के लिए। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है। अगर नगर परिषद चाहे तो सरकार इसमें बजट भी देती है, एसटीपी का पूरा अगर एक सिस्टम है प्लांट होने का और उस पानी को एकदम परिशोधित करके किसानों को देने का, तो अगर नगर परिषद चाहती है तो वो काम कर सकती है। क्या लगता है अगली सुनवाई में जब आप अपने आपत्तियां प्रस्तुत करेंगे तो क्या लगता है कोर्ट क्या इस पर आगे फैसला दे सकता है, निर्णय दे सकता है? एनजीटी में फैसला 100% देगा, इसलिए देगा कि एसटीपी जो एनजीटी का काम जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया एक ट्रिब्यूनल है, वो 100% इस मामले में बहुत ही गंभीर है और बार बार इनको दो मौके दे चुके हैं एनजीटी ने। और मुझे पूरी की पूरी मौका मुआयना रिपोर्ट जो इन्होंने प्रस्तुत की उस पर ऑब्जेक्शन अराइज करने के लिए समय दिया 3 हफ्ते का कि आप हमें बताएं कि इनकी क्या क्या वहां कमियां हैं, तो मैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय जो डीडवाना के शहर के लोगों के हक में एक बहुत ही बेहतरीन फैसला आएगा जिससे नगर परिषद को मजबूरन बाद में उस आदेश की पालना में इस एसटीपी और डीडवाना के इस गंदे पानी का समय इस गंदे पानी का निस्तारण 100% होगा। तो ये थे अधिवक्ता सरवर खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नगर परिषद अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पाई सीवरेज को लेकर, उसकी गलत नीतियों के कारण आज पूरा शहर सीवरेज की वजह से जल भराव और सड़ांध की समस्या से जूझ रहा है। इसी लेकर इन्होंने एनजीटी में याचिका दायर की थी। अब देखना होगा ये जब अगली सुनवाई में जो कमेटी थी उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस पर ये क्या आपत्ति करते हैं। डीडवाना में सीवरेज की एक बड़ी समस्या है जिसे लेकर लंबे समय से शहर की जनता परेशान होती रही है। हाल ही में ये मामला एनजीटी में पहुंचा है जिसके बाद एनजीटी ने डीडवाना जिला कलेक्टर, नगर परिषद और प्रशासन को नोटिस जारी किए हैं। इसके बाद कलेक्टर ने आज एक मीटिंग ली है जिसमें नगर परिषद, RUIDP और इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें इस समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ मौजूद है नगर परिषद के आयुक्त रोहित कुमार मील, इनसे चर्चा करते हैं कि पूरा मामला क्या है और कहां समस्या है। सर, ये पूरा घटनाक्रम क्या है, क्यों समस्या हो रही है सीवरेज की, इतनी बड़ी समस्या विकराल रूप से समस्या हो गई कि जनता को सड़कों पर आना पड़ा? देखो, ये समस्या पिछले 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूं, फेस कर रहा हूं, और जो शहरवासी हैं वो बता रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट शुरुआत हुई उस समय से ये समस्या जस की तस चल रही है। लाइनें चौक रहती हैं और पानी ओवरफ्लो रहता है। ये समस्याएं मुख्य रूप से वली कॉलोनी और अपने रेलवे फाटक के आसपास हैं। तो हमने इसका समाधान निकालने का पूर्व में भी प्रयास किया और जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं, तोशिबा कंपनी के प्रतिनिधि, उनके साथ वार्ता की और वार्ता में हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि जो MOU की शर्तें हैं, गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस प्लस CPHO मैनुअल के अनुसार जो उनको काम करना चाहिए वो काम यहाँ नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने उनके जो बिल हैं वो भी रोक लिए, उनका पेमेंट इस तरह से नहीं किया और उनकी पेनल्टी भी इम्पोज की गई है। और समस्या अब जो समस्या बनी हुई है वो ये कर रहे हैं कि ये जो STP है, जो इसके दो दो प्रोसेस हैं, दो भाग हैं, एक तो STP है, एक ये जो मेन लाइन सीवरेज की, तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। STP वाले बोलते हैं कि हमारे पास सीवरेज का पानी नहीं आ रहा और वो बोलते हैं कि ये पानी इसमें मिक्स हो रहा है। इस तरह से एक दुविधा बनी हुई है। कलेक्टर साहब ने इसी संबंध में निर्देश दिए हैं। RUIDP की टीम और कंपनी और नगर परिषद की टीम अब इसका जॉइंट ऑब्जर्वेशन करके फाइनल रिपोर्ट देगी। सर, जब पहला प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था, लगभग 70 करोड़ की योजना थी, तब जब शुरू किया गया था तब क्या शुरू करने से पहले ये तकनीकी जो इश्यू है जिसमें आउटलेट जो पानी जाना था उस पर गौर क्यों नहीं किया गया? इसकी वजह से आज पूरा मेला मैदान पूरे पानी से भर चुका है, सीवरेज के पानी से। इसके अलावा सिंगी सरोवर है या नमक झील है, वहां भी पानी इस सीवरेज का गंदा छोड़ा जा रहा है। देखो, ये जो पानी की रियूज की समस्या है ये सभी जगह बनी हुई है और कलेक्टर साहब ने आज की जो मीटिंग ली उसमें लाडनू, मकराना सभी जगह ये मुख्य समस्या बनी हुई है कि सीवरेज तो बन रहा है लेकिन उसका जो फाइनल आउटपुट देना है, कृषकों को पानी देना है, उसके लिए कोई जगह चिन्हित नहीं की गई है। उस वजह से जैसे ही सीवरेज कमीशनिंग चालू होता है और वो पानी आसपास के उसी एरिया में बहा दिया जाता है और
वो फिर पानी पोल्यूटेड होकर उसका कोई उपयोग नहीं रह पाता है। तो इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जो RUIDP की टीम और नगर परिषद की टीम जॉइंटली काम करेंगी और इसका फाइनल सॉल्यूशन है वो एक बार प्रस्तावित करेंगी। सर आपने कहा कि नगर परिषद और RUIDP की टीम सॉल्यूशन करेगी सर्वे करके उसके पश्चात, लेकिन मुख्य बात यह है कि अभी फर्स्ट फेज का ही पानी का समाधान नहीं हो सका है, जबकि दूसरा फेज लगभग बनकर तैयार है, दूसरा फेज शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में जब फर्स्ट फेज के ही सीवरेज के आउटलेट पानी का निस्तारण नहीं हो पाया तो सेकंड फेज का कैसे होगा? देखिए समस्या तो बनी हुई है और समस्या फंडिंग की भी है। जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं आधा अधूरा है। जो 70-80 करोड़ का ये जो सीवरेज का प्रोजेक्ट है उसमें जो फाइनल इसका डिस्पोजल करेंगे, इस ट्रीटेड पानी को यूज करेंगे, उसमें भी 20-25 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है और इतनी बड़ी फंडिंग नगर परिषद लेवल पर संभव नहीं है। तो इसी चीज को हमने मीटिंग में प्रकट किया है और कलेक्टर साहब ने भी इसके समाधान के लिए राज्य सरकार में ये जो सिचुएशन है मेट्राइज प्रेजेंट सिचुएशन को भेजने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर जिला कलेक्टर ने जो आज मीटिंग ली उसमें क्या निर्देश दिए, अब इसका समाधान किस तरह से होगा, क्या तकनीकी पहलू होंगे, RUIDP टीम, नगर परिषद और जो इससे जुड़े हुए जो तमाम जो लोग हैं वो किस तरह इसका समाधान निकालेंगे? जिला कलेक्टर साहब ने ये निर्देश दिए हैं कि जब तक इसका फाइनल डिस्पोजल का ट्रीटेड वाटर को अब समाधान नहीं कर लेते और जगह चिन्हित नहीं कर लेते और इसकी जो फंडिंग प्रोसेस है इसके बारे में अगर अपन तय नहीं कर पाते हैं कोई, तब तक ये जो STP का कमिशमेंट है ये रोका जाएगा और इसके बारे में अगली मीटिंग में इसकी चर्चा करके और उसके बाद में ही आगे का ये जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। सर एक अंतिम सवाल के इस मामले में जो NGT की जो एंट्री हुई है, NGT ने नोटिस दिया है, नोटिस में क्या बातें कही गई है और आपकी तरफ से अब क्या जवाब पेश किया जाएगा? देखो इसमें NGT ने मुख्यतः ये मुद्दा उठाया गया था, ये जो सीवरेज का पानी है ये अंगोर की जमीन और पायतन की जमीन पर आ रहा है और जो बरसात का पानी है, नदी नालों का पानी है वो पॉल्यूट हो रहा है और इसमें ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि जब ये जो पाइपलाइन डाली गई थी ये पाइपलाइन ये अंगोर की भूमि में से ही डाली गई है और ये हमने इस ये रिपोर्ट में भी आई है और इसका हम ये कर रहे हैं कि जो डिस्पोजल है इस पर RPCB अपनी रिपोर्ट देगी कि इसको इसके लिए कौन सी भूमि चिन्हित की जाए, क्या तालाब की भूमि में इस ट्रीटेड वाटर इसको डाला जा सकता है नहीं डाला सकता, जो आगे की स्टडी होगी उसके अनुसार कोई फाइनल निर्णय लिया जाएगा। तो ये थे डीडवाना नगर परिषद के आयुक्त रोहित कुमार मील, जिनका ये कहना है कि जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद और NGT के आदेश के बाद अब RUIDP टीम और नगर परिषद की टीम संयुक्त रूप से शहर का दौरा करेगी और सीवरेज से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, पानी भराव जल भराव की स्थिति, उसका समाधान निकालने के लिए तकनीकी रूप से जो जो पहलू होंगे उन पर गौर किया जाएगा और उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल जब भी ये समस्या का समाधान हो उसमें कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यह तय है कि NGT की एंट्री होने के बाद अब इस मामले को लेकर कोर्ट आगे क्या आदेश देता है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV।